वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द आर्डुइनो वर्कशॉप। ये 4 डे वर्कशॉप है लाइक यू नो। तो आज आई गेस सबसे छोटा सेशन आज ही है, आज सबसे बेसिक होगा आर्डुइनो ऊनो के ऊपर, उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या है, और एंड में हम आपको दिखा भी देंगे वो फिजिकली कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो टू बिगिन विद व्हाट इज आर्डुइनो। आर्डुइनो कई लोगों ने अब सुन लिया होगा क्या है। ये एक माइक्रो कंट्रोलर है। माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, ये एक छोटा कंप्यूटर है एक तरह से। ठीक है, ये इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है, और ये आउटपुट देता है जो हम इसे देने के लिए बोलते हैं कि ये इनपुट आएगा, आपको ये आउटपुट देना है। तो इट वर्क्स जस्ट लाइक अ कंप्यूटर। ठीक है, और इसमें इनपुट हो सकता है लाइट ऑन अ सेंसर, फिंगर ऑन अ बटन। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनपुट के। एक्सक्यूज द एनोटेशन, थोड़ा बैलेंस अच्छा नहीं है। ठीक है, ट्विटर मैसेज एंड आउटपुट हो सकता है एक्टिवेटिंग अ मोटर, टर्निंग ऑन अ एलईडी, ओपनिंग ऑफ अ डोर, पब्लिशिंग ऑफ समथिंग ऑनलाइन। ठीक है, और ये सब होता है हार्डवेयर प्लस कोडिंग के थ्रू। ठीक है, तो आज हम हार्डवेयर देखते हैं, और आई गेस 3rd डे से आपकी कोडिंग आएगी। ठीक है, तो हाँ, इससे पहले स्टार्टिंग में इसके थोड़े से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देखते हैं। एडवांटेजेस सबसे पहला ये कि ये रेडी टू यूज है एंड वेरी इजी टू यूज है, और यही एक रीजन है कि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर्स हैं बट आर्डुइनो इज वेरी पॉपुलर, वो प्रोफेशनल्स के लिए भी और जो हॉबी के लिए करते हैं उनके लिए भी। और ये जो पॉइंट है ना, इजी टू यूज और रेडी टू यूज, इट इज बेसिकली अ डिसएडवांटेज ऑल्सो, क्योंकि अगर आप माइक्रो कंट्रोलर के डीप में जाना चाहते हो तो ये आर्डुइनो को यूज करना इतना ईजी है कि इसके बाद अगर आप कोई माइक्रो कंट्रोलर के लिए जाते हो, जैसे बीगल सुना होगा तुमने, रास्पबेरी पाई वगैरह, तो उनका इंटरफेस डिफिकल्ट लगेगा। वैसे अगर हॉबी के लिए कर रहे हैं, हमारे जो प्रोजेक्ट्स भी होते हैं क्लब के, वो आगे सीखने के लिए थोड़ा ही हिंडरेंस देता है। ठीक है, और सेकंड इसकी बिगेस्ट एडवांटेज है, इट इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब है कि जो इसके ओरिजिनल क्रिएटर्स हैं, जिनने ये कोडिंग करी थी, बनाई थी, वो मार्केट में ओपन है, जो उसके यूजर्स हैं वो उसे यूज कर सकते हैं। लाइक आपने एडाफ्रूट अगर सुना हो, तो वो आर्डुइनो के किट सेल करता है, वो अपनी खुद की मॉडिफिकेशन करके अपनी किट्स बनाता है और वो सेल करता है। ठीक है, और उसके बाद इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। आप इस पे ऑलमोस्ट कोई भी प्रोजेक्ट करने जाओ, आईओटी का करने जाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ करने जाओ, तो आपको उसका कोड मिलेगा इस पे। लाइक ऑलरेडी किसी ने इसके ऊपर काम कर रखा होगा, तो इसकी कम्युनिटी सपोर्ट काफी लाइक मैग्निफिसेंट है। ठीक है, और इसका एक और पॉइंट जो अच्छा है, दैट इज कॉस्टिंग। जो मैंने अभी आपको माइक्रो कंट्रोलर्स बताए और जो कुछ काफी फैंसी माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, वो 5-6 thousand की रेंज से शुरू होते हैं, बट आर्डुइनो की अगर तुम किट लेने जाओगे तो 5-6-4 में वो पूरी आ जाएगी। तो इसका कॉस्ट फैक्टर भी काफी एडवांटेज देता है। और हाँ, मैंने अब तक एक ही डिसएडवांटेज बताई है ना। हाँ, तो एक और जो मैंने यू नो रिसर्च करी, वो है इसका साइज बड़ा है, इट इज 7x5 सेंटीमीटर में। तो लाइक हम चाहते हैं जब भी प्रोजेक्ट बनाते हैं कि उसका साइज छोटे से छोटा हो। ठीक है, तो इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें एक्वेरियम के अंदर एक ह्यूमिडिटी सेंसर का एक सिस्टम बनाना है, तो आर्डुइनो इज नॉट द बेस्ट चॉइस ड्यू टू इट्स साइज। ओके, तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज होगी। तो फॉलोइंग ऑन हमारा नेक्स्ट, ठीक है, तो माइक्रोप्रोसेसर एंड आर्डुइनो में डिफरेंस क्या है? माइक्रोप्रोसेसर और आर्डुइनो में ये डिफरेंस है, वैसे आगे आने वाला था बट कोई नहीं। माइक्रोप्रोसेसर है लाइक माइक्रो कंट्रोलर एक पूरा कंप्यूटर होता है, बट माइक्रोप्रोसेसर इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, वो सीपीयू होता है सर। समझ में आया? ओके मैम। लाइक आर्डुइनो इज बेसिकली अ सर्किट बोर्ड, इसके ऊपर हम लोग यूज करते हैं हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स, लाइक कसलजिया माइक्रो कंट्रोलर मेगा 328P। ठीक है, तो आर्डुइनो, ये सबसे बड़ा डाउट रहता ही है कि आर्डुइनो को लोग मतलब जनरली बोल देते हैं दैट आर्डुइनो इज अ माइक्रो कंट्रोलर, बट आर्डुइनो इज अ सर्किट बोर्ड जिसके ऊपर हम लोग पेंस भी लगाते हैं और जो हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स हैं वो भी अटैच होते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, तो हाँ, ओके, हाँ, कूल, हाँ, तो ये कुछ मेन पार्ट्स हैं, ये 6-7 पॉइंट्स हैं, 10 होंगे अप्रॉक्स, तो इनको हम कवर करेंगे आज। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट पारस, पारस नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यूएसबी कनेक्टर।
तो ये यूएसबी कनेक्टर है, ये क्यों यूज होता है, आपने अभी कोडिंग का मैंने एक जिक्र किया, तो कोडिंग जब आप करते हो यू विल यूज योर लैपटॉप, ठीक है, पीसी, तो आर्डुइनो को अपने पीसी से कनेक्ट करने के लिए यूएसबी पोर्ट यूज होता है, ठीक है, और इसका मेन है पावर सप्लाई, मेन एक्चुअली इसका कम्युनिकेशन होता है आर्डुइनो और पीसी के बीच में, बट इसका एक फंक्शन पावर सप्लाई भी है, ठीक है. नेक्स्ट, हाँ, अब आर्डुइनो को पावरिंग कैसे करनी है उसके बारे में हम देखते हैं. तो आर्डुइनो को पावर करने के दो वेज हैं, एक पहला जो मैंने बताया यूएसबी कनेक्टर, ठीक है, वो ये रहा, और दूसरा इज बैरल जैक, ये रहा, ठीक है. अब इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क ये है कि देखो, सबसे पहले जो पॉइंट नोट करने वाला ये है कि जो आर्डुइनो है वो डीसी पे काम करता है, ठीक है, वो प्रिसाइसली 5 वोल्ट डीसी पे काम करता है, ओके. तो जो यूएसबी है वो आप यूज करते हो, जैसे मैंने बताया, अगर आपको कम्युनिकेशन करना होता है, स्केचेस अपलोड करने होते हैं, ठीक है. और बैरल जैक यूज होता है अगर आपको, मान लो, अपने प्रोजेक्ट को कहीं पे लेके जाना है, यू नो, पोर्टेबल बनाना है, तो बैरल जैक यूज होता है. बैरल जैक में आप डबल ए बैटरीज के थ्रू पावर दे सकते हो, तो उससे क्या होता है कि ये आपका पोर्टेबल बन जाता है. अब ऑब्वियसली आप लैपटॉप के साथ उठा के नहीं लेके जाओगे उसको, ठीक है. और नेक्स्ट, ओके, वोल्टेज रेगुलेटर. अब मैंने बताया कि जो आर्डुइनो है वो काम करता है 5 वोल्ट डीसी पे, ठीक है. हाँ, ये आपको दिख रहा है, ये बैरल जैक के जिस बगल में वोल्टेज रेगुलेटर है, ठीक है. हाँ, तो एनोटेट कर दो, ठीक है. तो ये क्या करता है, जब जैसे, और हाँ, मैंने एक पॉइंट मेंशन करना मैं भूल गई, माय बैड. जो बैरल जैक है ना, जो हमारे घर में प्लग्स होते हैं या आप ऐसे स्विचेस यूज करते हो, तब आप बैरल जैक से उनके थ्रू पावर ले सकते हो. और हमें पता है कि घरों में 220 वोल्ट एसी आती है, तो पहला काम एसी को डीसी में कनेक्ट करना, ठीक है, और वोल्टेज को कट डाउन करना, वो वोल्टेज रेगुलेटर का काम होता है, ठीक है, ओके आयुष, तो वो वोल्टेज रेगुलेटर का काम होता है, ठीक है. तो वोल्टेज रेगुलेटर क्या करता है बेसिकली, कि जो आपकी वोल्टेज आती है ना, तो उसको कन्वर्ट करता है, अगर वो डीसी है तो डीसी रहने देता है, एसी है तो डीसी में कन्वर्ट करता है, और अगर वो ज्यादा वोल्टेज है तो वो उसे कट डाउन करता है, ओके. हाँ, और एक और चीज, जो आर्डुइनो है बैक कर पारस, हाँ, इसके ऊपर 2-3 पॉइंट्स और है, ठीक है, ये पारस मेरे को एनोटेट करना पड़ेगा, ठीक है. हाँ, पहला ये कि जो आर्डुइनो है वो 5-20 वोल्ट्स पे काम करता है, ओके, मतलब आपको, सॉरी, 7 7-20 वोल्ट्स पे काम करता है. अब मैंने तुम्हें बताया कि आर्डुइनो को काम करने के लिए 5 वोल्ट चाहिए, बट अभी मैं बोल रही हूँ वो 7-20 में काम करता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि जो वोल्टेज रेगुलेटर है ना, जब वो वोल्टेज को कम करता है, तो उसको अगर आप 5 वोल्ट दे दोगे तो वो उसको भी कम कर देगा, तो वो आपको 4 point something या 3 वोल्टेज दे देगा, तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. तो इसलिए आप मिनिमम 7 देते हो, ताकि जब ये कट डाउन करे तो वो 5 पे आके रुक जाए, ठीक है. और 20 से ज्यादा आपको नहीं देनी चाहिए, अगर 20 से ज्यादा दोगे तो सिंपली मतलब आर्डुइनो फूक जाएगा हमारा, ठीक है. तो मिनिमम काम करने के लिए 7-20 वोल्ट्स चाहिए होती है, और वैसे जो सेफ वोल्टेज होती है वो 12 होती है. 12 से ज्यादा आपको देना रिकमेंडेड नहीं है, बट आपके कुछ हैवी स्केल प्रोजेक्ट्स हैं तो उनमें देनी पड़ेगी, बट 20 से ज्यादा इज नॉट रिकमेंडेड, ठीक है. 9 वोल्ट और 12 वोल्ट स्टैंडर्ड वोल्टेज होते हैं, तो किसी भी प्रोजेक्ट में हम, क्योंकि यही दो वोल्टेज की बैटरी यूज करते हैं, अगर छोटा प्रोजेक्ट होगा तो 9 वोल्ट वाली बैटरी यूज करेंगे, जो नॉर्मल रिमोट्स वगैरह में यूज होती है, तो इसमें भी 9 वोल्ट की सप्लाई आएगी. और अगर हैवी प्रोजेक्ट होगा जिसमें हमें काफ़ी ड्राइविंग वगैरह करनी है या ये सब करना है, मोटर से लानी है, तो 12 वोल्ट यूज़ होता है. तो यही दो स्टैंडर्ड है जो इस बैरल जैक में लगते हैं, बाकी लगा हम 20 वोल्ट तक सकते हैं, लेकिन फिर उससे ओवर हीटिंग इशू होता है इसी वोल्टेज रेगुलेटर में, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है. तो इसलिए रिकमेंडेड यही रहता है कि आप मैक्सिमम 12 वोल्ट तक ही सप्लाई करें. ओके, थैंक यू आयुष.
थोड़ा आगे पारस नेक्स्ट। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर, अभी मुझसे पूछा था माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है, तो मैंने बताया था ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर इज अ ब्रेन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। जो भी आप इसको इनपुट देते हो, जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है वो माइक्रो प्रोसेसर में होती है। वैसे सेकंड स्लाइड में आपको अलग से भी दिखेगा, पर सेकंड स्लाइड पे जाइए। हाँ, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर जो है ये, ठीक है, दिस इज अ माइक्रो प्रोसेसर, बेसिकली ब्रेन ऑफ आर चिप, ठीक है। आगे उसी स्लाइड पे जा। तो जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो इसमें होते हैं, जो ये सेंसेस को बताता है कि तुम्हें ये करना है, और जो आउटपुट आना है वो इसके थ्रू होता है, ठीक है। इट इज वेरी क्लियर कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, सीपीयू एक्ट करता है। और 80 मेगा 328 ये इसका नाम है। जो आर्डुइनो है वो 80 मेगा सीरीज के माइक्रो प्रोसेसर यूज करता है जनरली, ठीक है। तो नेक्स्ट। और हाँ, आर्डुइनो पे सिर्फ एक ही माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता है, दो होते हैं। वैसे अगर किसी ने पिछली वाली वर्कशॉप अटेंड करी हो तो यू माइट नो कि इन दोनों में क्या फर्क होता है। तो एनीवन, तो इनमें ये फर्क होता है बेसिकली, जो इससे पहले वाला माइक्रो कंट्रोलर था वो तो मेन ब्रेन होता है, बट फॉर सम रीजन लैपटॉप और हमारे आर्डुइनो के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो इस प्रोसेसर के थ्रू होता है। मतलब इट इज अ मिनी प्रोसेसर, जो बड़े वाले प्रोसेसर जो है, जो हमारा मेजर प्रोसेसर है, और जो लैपटॉप है उनके बीच में कम्युनिकेशन करता है। ऑल दो जो आपके स्केचेस अपलोड होते हैं वो मेन प्रोसेसर में ही होते हैं, बट उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो 80 मेगा 8 कैपिटल U2 करता है। ओके, नेक्स्ट। हाँ, या एक और होता है इन दोनों के बीच में, अगर तुम लोगों को पता है तो, लाइक होता है SMT और THT, अगर दो वर्ड्स तुमने सुने हैं। तो SMT इज बेसिकली सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी, जो ये वाला होता है हमारा, ठीक है। अब ये वाला जो है, ये डायरेक्टली क्या है, तुम्हारे ना आर्डिनो के ऊपर है, बिल्कुल इट इज फिक्स्ड ऑन योर PCB, जो आर्डिनो सर्किट बोर्ड है ये उसके ऊपर डायरेक्टली फिक्स है। एंड व्हेन 8 मेगा 8U2, जब ये काम करना बंद कर देता है, तो दैट मींस योर आर्डिनो इज नो मोर ऑफ यूज, ठीक है। क्या हम बोलते हैं कि हमारा आर्डिनो खराब हो गया है? वन केस इज जब आपका आर्डिनो बर्न आउट कर जाता है ड्यू टू एक्सेस ऑफ वोल्टेज, एंड सेकेंड इज जब हमारा 8 मेगा 8U2 खराब हो जाता है। तो बिकॉज दिस इज द सर्फेस माउंट, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है कि हम इसे रिप्लेस नहीं कर सकते। और अगर मैं बात करूँ 8 मेगा 328, लाइक इसकी अगर मैं बात करूँ, तो इसमें तुम्हें पिंस दिख रही होंगी, पिंस उसमें भी होती हैं, लाइक 28 पिंस होती हैं दोनों में। इसमें ये जो पिंस हैं, ये क्या होता है कि जो हमारा सर्किट बोर्ड होता है उसके ऊपर होल्स होते हैं, तो ये हम इसको THT टेक्नोलॉजी में बोलते हैं, लाइक थ्रो होल टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है कि पिंस तुम्हारी, ये उसके ऊपर फिक्स होता है, ये सर्किट बोर्ड के ऊपर फिक्स होता है, यानी कि होल्स होते हैं जिसमें ये पिंस को हम डाल देते हैं। अगर ये हमारा खराब होता है तो वी कैन रिप्लेस दिस, हम इसको नया ला सकते हैं और इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। बट अगर हमारा सर्फेस माउंट वाला खराब हो जाता है तो वी कांट रिप्लेस दैट, हमें पूरा आर्डिनो ही चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो SMT और THT ये दो वर्ड्स होते हैं, इसे याद रखें। ओके, एक बार इससे पहले एक और पॉइंट, आई थिंक वैसे एक बार पावर वाले पे जाइए, पावर पॉइंट्स पे। वैसे हाँ, इसमें ना एक और हम यूज कर सकते हैं, वैसे वो रिकमेंडेड नहीं है ना, उसकी जरूरत पड़ेगी, बट सुन लो स्टिल, ठीक है। इसमें एक पिंस होती है 5 वोल्ट्स और 3.3 वोल्ट्स, है ना। वो पिंस सेकेंड स्लाइड में दिखा दे पारस, सेकेंड स्लाइड में पिंस होंगे। हाँ, तो यहाँ पे हाँ, ये जो पिंस है ये वैसे इनपुट की पिंस होती है। इनपुट मतलब आर्डुइनो को इनपुट नहीं, जो हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, जैसे कोई सेंसर है, मोटर है, उनको पावर देने के लिए यूज होती है। बट इमरजेंसी में या किसी एक्सेप्शनल केस में हम इन्हें आर्डुइनो को पावर देने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज ये है कि जब इनसे आप पावर देते हो ना, तो यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर काम नहीं करता। मतलब अगर आप DC दे रहे हो, जैसे मैंने बताया कि आर्डुइनो को 5 वोल्ट चाहिए DC के, बट अगर आपने 6 वोल्ट दी तो आर्डुइनो को 6 वोल्ट ही मिलेगी। तो इससे क्या होता है, कंपोनेंट्स खराब हो जाते हैं। तो अगर हमें ये दोनों पॉइंट्स यूज करने हैं, तो वी हैव टू मेक श्योर जो हमारा पावर सोर्स है वो क्लियर कट 5 वोल्ट DC है, वरना इसे यूज नहीं करना।
वरना अगर इसे यूज करेंगे तो वोल्टेज रेगुलेटर को ये बाईपास करके डायरेक्ट हमारे माइक्रो कंट्रोलर को बहुत ज्यादा वोल्टेज दे देगा, तो उससे वही सिंपली वो फूक जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, यही एक पॉइंट था पारस। लेकिन बाय डिफॉल्ट वीन पिन को यूज किया जा सकता है पावर देने के लिए उन्हीं। एक बार वही स्लाइड खोलना आप, एक बार पावर वाली। और पहले हाँ ये वाली, इसमें 3.35 वोल्ट पे ग्राउंड, उसके बाद देखो आप एक वीन भी लिखा होगा, वो वीन के थ्रू हम बाय डिफॉल्ट आर्डुइनो को पावर दे सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन ये होती है कि 5 वोल्ट ही होना चाहिए। जैसा पहले बताया 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट से अगर हमें पावर देनी होगी तो हमें कोडिंग में उसको प्रोग्राम करके बताना पड़ेगा कि यहाँ से तुम्हें इनपुट लेना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये दोनों आउटपुट के लिए होते हैं। आर्डुइनो इन दोनों से इतना इतना वोल्ट करंट देता है जितना उसमें मेंशनड है, और वी इन पिन होती है जो कि उसकी इनपुट पिन होती है। अगर 5 वोल्ट वी इन में हम दे दें और ग्राउंड किसी भी एक ग्राउंड में अगर 0 वोल्ट दे दें तो आर्डुइनो को पावर मिल जाएगी, तो वो भी यूज हो सकता है। या दैट मींस हमारा जो वी इन है वो हमारा पॉजिटिव की तरह काम करेगा और जो ग्राउंड है दैट इज फॉर द नेगेटिव, तो आप यहां से भी पावर दे सकते हो। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करते हैं हमारे पावर पॉइंट्स की, तो वी हैव थ्री मेथड्स। एक तो हम वी इन पिन से दे सकते हैं, दूसरा हमारा बैरल जैक है, ठीक है, और तीसरा हमारा जो है यूएसबी कनेक्टर है जिससे हम लोग हमारे लैपटॉप से भी इसे पावर दे सकते हैं। और ऑल्सो वी कैन कनेक्ट दिस टू आर पावर बैंक्स, तो पावर बैंक से भी अगर हम यूएसबी कनेक्टर से कनेक्ट करते हैं तो हमारा आर्डिनो काम करने लगता है। ऑलराइट, सो यार आर्डिनो में सबसे पहली चीज हो गई कि हमें उसे पावर देनी है। नाउ वी नीड टू डू कनेक्शन, हमें जितने भी आर्डिनो के साथ हम अलग अलग चीजें कनेक्ट करते हैं, लाइक वी कनेक्ट सेंसर्स फॉर इनपुट, अगर हमें आउटपुट चाहिए वी कनेक्ट आर LCD स्क्रीन्स, और हम आउटपुट सेंसर्स को यूज करते हैं, लाइक हम मोटर्स वगैरह यूज करते हैं, LEDs यूज करते हैं जिन पे हमें आउटपुट चाहिए, तो उन्हें कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं पिन्स। लाइक रिटर्न एनालॉग पिन्स होती हैं 6, जो तुम इसमें देख मतलब यहाँ पर होती हैं एनालॉग पिन्स, दैट आई विल शो यू इन नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ लाइक 6 एनालॉग पिन्स एंड 13 डिजिटल एंड 6 PWM पिन्स, दिस इज फॉर आर्डिनो यूनो। Arduino Uno is the most common Arduino जो हम maximum projects में use करते हैं, और 95% projects में हम लोग Arduino Uno का use करते हैं, but we have other Arduino, other type of Arduino boards, like हमारे पास Nano है, Mega है, Pro Mini है, we have few more types of Arduino boards जो हम अलग अलग requirements के उस पर करते हैं। Like requirements basically जब हमारे project में हमें बहुत सारी लाइक आई से कि मुझे 5, 6, 7, 8 सेंसर्स कनेक्ट करने हैं, फिर मुझे आउटपुट भी कनेक्ट करना है, मेरे को उसको वोल्टेज पिंस भी कनेक्ट करनी है, तो एक कंडीशन आती है जब हमारी यूनो की पिंस कम पड़ जाती हैं, देन वी यूज अदर टाइप्स ऑफ आर्डिनो जिनमें पिंस का नंबर इंक्रीज होता रहता है। दैट वी विल डिस्कस इन द फर्दर स्लाइड्स कि पिन का नंबर किस किस में कैसे कैसे इंक्रीज होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम यूनो की बात करते हैं, तो अभी तक हमने तुम्हें जितना भी दिखाया दैट इज यूनो, आगे की भी मेजर डिस्कशन यूनो पे ही रहती है क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट्स में उन्होंने सेटिस्फाई कर रहा है अभी तक जितने भी हम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो ये होती हैं उन्होंने की पिंस। तो यार अब आती हैं एनालॉग पिंस। तो एनालॉग पिंस तुम ये देख सकते हो लाइक इट इज A0 से लेके A5 तक टोटल हमारी 6 एनालॉग पिंस होती हैं। ठीक है, तो अब एनालॉग पिंस का क्या काम होता है, बेसिकली हम लोग एनालॉग इनपुट होता है, लाइक हम लोग अगर सेंसर्स कनेक्ट करते हैं तो टेम्परेचर सेंसर सपोज मैंने कनेक्ट किया, तो टेम्परेचर सेंसर इज गोइंग टू गिव मी रोहन यहाँ पर है यार देखो। अब हम अगर मैं डिजिटल पिन की बात करूँ तो डिजिटल पिन में हमारा जो इनपुट होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 1 and 0। ठीक है, लेकिन एनालॉग में हम लोग जो है हमारा एनालॉग इनपुट हम लोग ले सकते हैं। अब क्या होता है कि मैं तुम्हें बता रहा था टेम्परेचर सेंसर के बारे में, फॉर इंस्टेंस हमने टेम्परेचर सेंसर कनेक्ट किया है फॉर इनपुट, तो टेम्परेचर सेंसर तो हमें एनालॉग में ही इनपुट देगा ऑब्वियसली। तो अब क्या होता है कि यहाँ से हमारा जो इनपुट है दैट इज इन द एनालॉग फॉर्म, वो अंदर जाके कन्वर्ट होगा हमारे डिजिटल में और वो वैल्यू हमारे सिस्टम तक जाएगी, एंड देन सिस्टम विल परफॉर्म द रिक्वायर्ड कोड, जो भी होगा वो उसके ऊपर काम करेगा यूजिंग दैट डिजिटल वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारे आउटपुट से हम लोग डिजिटल आउटपुट ले सकते हैं। राइट, एक अब नेक्स्ट आता है हमारा आर्डिनो, तुम्हें समझ एनालॉग पिन समझ आ गया कि हमें जितने भी हमारे सेंसर्स होते हैं जो हमें एनालॉग वैल्यूज देते हैं हम उन्हें जो है इधर से एनालॉग पिन से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड देन दैट वैल्यू इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल वन एंड देन वी गिव द आउटपुट। नेक्स्ट इज आवर डिजिटल पिन। तो डिजिटल पिन यार यहाँ पर होती हैं, ये है साइड में बिल्कुल, तो इट इज फ्रॉम
जीरो टू थर्टी, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी पिंस होती हैं। अब हम डिजिटल की बात करें तो डिजिटल पिंस हमारी लाइक बोथ इनपुट एंड आउटपुट पिन की तरह काम करती हैं, ठीक है। हमारा जो डिजिटल पिंस है, हम इनको, अगर हमें कोई डिजिटल सेंसर है या फिर कोई भी हमें ऐसी चीज़ें जहाँ से हमें डिजिटल इनपुट मिल रहा है, हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, और ऑल्सो जब हमें डिजिटल आउटपुट चाहिए तो हम यहाँ से इन्हें कनेक्ट करते ही करते हैं, ठीक है। अब डिजिटल में ही तुम्हें एक चीज़ देखने को मिलेगी, लाइक कुछ पेन से आगे, लाइक आई विल से ये थ्री के आगे यहाँ पर एक तुम्हें कुछ सिंबल सा दिख रहा है, दैट सिंबल इज योर साइन वेव सिंबल, ऐसा सिंबल है ये, ठीक है। तो जो डिजिटल पेन्स में वी हैव सिक्स पेन्स जो हमारी काम करती हैं पी डब्ल्यू एम पेन्स की तरह। पी डब्ल्यू एम मीन्स पल्स विद मॉड्यूलेशन पेन्स, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पर सिक्स पिंस हैं, टू मेंशन मैंने यहाँ पर लिख दिया था कि ये जो हमारी सिक्स पिंस हैं, यहाँ पर तुम देख सकते हो थ्री के आगे है तुम्हारा, फाइव के आगे भी है, सिक्स के आगे है, नाइन टेन इलेवन एंड, ठीक है। तो ये तुम्हारी छह पिंस होती हैं, थ्री फाइव सिक्स नाइन टेन इलेवन, जो पी डब्ल्यू एम पिंस होती हैं, ठीक है। इनका बहुत ज़्यादा यूज अभी के लिए नहीं है, ये हम आगे जब हमारा यूज होगा तो वो भी डिस्कस अबाउट दिस इन डिटेल, अभी तक तो नहीं है इसका कोई ज्यादा यूज हमारे पास, ठीक है। अब जो हमारी पी डब्ल्यू एम पेंस है, दे ऑपरेट एट 8 bit, लाइक 8 bit पे ऑपरेट करती हैं। तो ये मैंने बहुत ही लेम लैंग्वेज में तुम्हें लिख के दिखा दिया, लाइक 2^8, तो इसका जो टोटल हमारा जो भी हम इनपुट्स लेते हैं तो वो वैल्यू 0 to 255 में लाई करती है, लाइक 286 हो गया टोटल अगर हम 0 को इंक्लूड करते हैं। तो दिस इज द 8 bit ऑपरेटर, मतलब 8 bit पे ऑपरेट करती हैं एंड 0 to 225 तक इनपुट लेती हैं। तो दिस वॉज अबाउट द पेंस जो हम कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। नाउ कम्स द पावर पिन एंड द रीसेट पिन। पावर पिन का तो मैं ऑलरेडी बता दिया है कि लाइक 3.3 volt है हमारे पास, 5 volt है, Vin है, ये होती है हमारी पावर पिन, और बीच में हमारी ये दो पिन होती हैं टू कनेक्टेड विद द ग्राउंड, ठीक है। तो दीज आर योर पावर पिन। नेक्स्ट थिंग इज योर रीसेट पिन, ये रही एक रीसेट पिन। अब रीसेट पिन और एक चीज होती है रीसेट स्विच, ठीक है। तो पिन तो तुम्हें पता है, लाइक पिन पे हम क्या करते हैं, हमारी वायर को कनेक्ट करते हैं, और स्विच का मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। देन आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर तुम लोग मुझे बताते हो कि डिजिटल पिन और डिजिटल बटन, ये रीसेट पिन और रीसेट बटन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जो बच्चे अभी सीख रहे हैं उनको एक रैंडम गैस, या अगर तुम्हें पता है तो बता सकते हो, अदरवाइज एक रैंडम गैस होगा तो बहुत अच्छी बात है। लाइक दिस इज योर रीसेट बटन, ठीक है। अब रीसेट से हमारे दिमाग में सीधा एक चीज आती है कि हम उसको पूरा का पूरा दोबारा से सेटअप कर सकते हैं, लाइक हमारा जितना भी कोड है हम उसे वहां से हटा सकते हैं, ठीक है। अब रीसेट, जो भी हमारा एक रीसेट अगर हम यूज कर रहे हैं तो उससे हमारा क्या मेन एडवांटेज है कि हम उसे दोबारा यूज कर सकते हैं फॉर अ डिफरेंट सर्किट, ठीक है, फॉर अ डिफरेंट पर्पज हम हमारे आर्डिनो का यूज कर सकते हैं, हमारी पुरानी कोडिंग को हमने हटा दिया, ठीक है। तो अब यार तुम एक बात बताओ, लाइक यहाँ पर पूरा का पूरा एक बटन है, लाइक रेड कलर का बटन है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है, सबको दिखता भी है, तो व्हाई देयर इज अ नीड फॉर अ रीसेट पिन, हमने यहाँ पर रीसेट पिन क्यों बनाई हुई है? एनीवन? मॉडिफिकेशन के लिए तुमने कोड से पहले से अपलोड कर रखा है, अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हो तो वो तो हम लोग लाइक रीसेट ही होगा ना, तो रीसेट बटन से भी कर सकते हैं वो, तो रीसेट पिन की क्या जरूरत है, ऐड गन तो कोड ही रीसेट करना है, बटन से कर लो सर। रीसेट से तो वो डाटा क्लियर नहीं हो जाता होगा सारा उसके अंदर, सेम फंक्शन सेम है, तो रीसेट पिन से भी वही होता है, रीसेट बटन से भी वही होता है। और कोई किंतु जैसे बटन तो फिजिकल हो गया, पिन जो है वो कोडिंग से इनपुट लेगा ना, ठीक है, एक चीज अब, ठीक है यार, मतलब पिन है तो हमें उसको कोड करना पड़ेगा अगर हम उससे कनेक्ट करते हैं, और बटन है हम उसको, ठीक है, फिजिकली करते हैं। और एक और एडवांटेज यार, मतलब मैं, मेरा जो मेजर क्वेश्चन है दैट इज, जब रीसेट बटन से वो काम हो सकता है तो व्हाई डू वी नीड अ रीसेट पिन? ऑलराइट यार, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो हमारा आर्डिनो होता है वो ऊपर ऊपर होता है, हम उसको रीसेट बटन से हम अपना काम खत्म कर सकते हैं। बट कुछ प्रोजेक्ट्स में जो हमारा आर्डिनो है वो हम लोग बहुत लाइक बिल्कुल नीचे सरफेस पे रखते हैं,
और फिर उसके ऊपर पूरा हमारा जो पूरी बॉडी है वो आ जाती है, काफी मोटर्स आ जाती है, तो हमारा आर्डिनो नीचे नीचे रह जाता है। देयर वी यूज रीसेट पिन जब हम लोग रीसेट बटन तक नहीं पहुंच सकते। अगर आर्डिनो ऊपर ऊपर है या फिर कुछ एक पार्ट को हटाने से हमें आर्डिनो दिख रहा है तो हम उसको रीसेट बटन से रीसेट कर सकते हैं। बट वेन द आर्डिनो इज डीप डाउन इन अ प्रोजेक्ट तब हमें वहां पर रीसेट पिन की जरूरत पड़ती है एंड डेफिनेटली वी नीड टू कोड इट कि कब हमें रीसेट करना है। ठीक है, वो हम उसके कोड में चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज द मेन एडवांटेज कि अगर आर्डिनो इज नॉट रीचेबल इन एनी प्रोजेक्ट तब हम वहां पर रीसेट पिन का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, समझा? ठीक है, तो मूविंग ऑन, नेक्स्ट थिंग इज क्रिस्टल ऑसिलेटर। ये जो तुम्हें दिख रहा है लाइक जो ये है, दिस इज योर क्रिस्टल ऑसिलेटर। ठीक है, अब यार क्रिस्टल ऑसिलेटर इज बेसिकली द हार्ट बीट ऑफ एन आर्डिनो। ठीक है, दिस वाइब्रेट्स और ये वाइब्रेट करता है जैसे कि हमारे प्रोड्यूस होते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। और दिस इज मेड अप ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल। तो कोई बता सकता है व्हाट इज पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल? सर सेमीकंडक्टर जैसा कुछ होता है। सेमीकंडक्टर जैसा कुछ होता है तो यार पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स होता है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं ना, जैसे स्क्वीज वगैरह करते हैं, स्ट्रेच वगैरह करते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं व्हेन दे आर प्लेस्ड इन द मैकेनिकल स्ट्रेस में, जब हम उन्हें प्लेस करते हैं। तो बेसिकली आर्डिनो पे जो हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है उसका जो काम होता है दैट वाइब्रेट करता है टू क्रिएट अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। अब इसकी अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं लाइक हम इसमें यूज करते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर, तो वो जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 16 मिलियन टाइम्स पर सेकेंड। ठीक है यार, चैट बॉक्स में पढ़ लो लाइक जो हमारा रीसेट बटन होता है वो हमारा क्या करता है, रिफ्रेश कर देता है पूरे प्रोग्राम को कि हम उसे दोबारा से अनप्लग करके प्लग कर रहे हैं, लाइक हम पूरा उसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, हमारे कोड को हम चेंज कर रहे हैं। तो रीसेट का फंक्शन यही होता है दैट इट चेंज इट हेल्प्स यू टू चेंज योर कोड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर की। तो इट इज इट टेक्स 16 मिलियन टाइम्स पर सेकेंड यानी इसकी फ्रिक्वेंसी होती है। एंड अब क्या होता है कि फॉर एवरी टिक लाइक अब तुम देखो कि एक सेकेंड में वो 16 मिलियन टाइम्स पर टिक कर रहा है और एक वाइब्रेशन जब वो करता है तो वो एक हमारा एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। लाइक अगर हम उसमें कुछ एडिशन करवा रहे हैं लाइक सब्ट्रैक्शन करवा रहे हैं या हम उसे कोई भी जो भी हम उसमें फंक्शन करवा रहे हैं तो विद वन सिंगल टिक इट परफॉर्म्स अ फंक्शन एंड 16 मिलियन टाइम्स इन अ सेकेंड अगर वो टिक करता है तो हाउ फास्ट इज एन आर्डिनो टू वर्क। ठीक है, तो दिस इज योर क्रिस्टल ऑसिलेटर जो हमारे आर्डिनो में होता है, मैंने तुम्हें बता दिया। नाउ वी विल बी कमिंग ऑन द टाइप्स ऑफ आर्डिनो। तो यार देख सकते हो तुम लोग यहाँ पर हमारे कुछ आर्डिनो के टाइप्स हैं, मैं अगले में दिखाता हूँ। लाइक दिस, ये हो गया हमारा आर्डिनो यूनो जिसपे जिसके बारे में हम अभी तक बात कर रहे थे कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारी 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन होती हैं जो मैंने तुम्हें बताया लाइक 0 to 13 यहाँ पर हैं। ठीक है, 6 PWM पिन्स इसी के अंदर हैं, जो 6 पिन्स जिनके आगे साइन वेव होती है। 6 एनालॉग इनपुट पिन्स A0 to A5 ये रही। ठीक है, अब इसकी जो फ्लैश मेमोरी होती है दैट इज 32 KB एंड इसकी जो रैम होती है दैट इज योर 2 KB। तो अगेन अ क्वेश्चन कि फ्लैश मेमोरी और रैम में क्या डिफरेंस होता है? Anyone? Continue करते हैं, मैं बताता हूँ लाइक फ्लैश मेमोरी और रैम का। जैसे उसने बताया कि रैम पे हमारा जो है इट इज रेंडमली एक्सेस, तो अब रेंडमली एक्सेस का मतलब ये होता है कि जब हम एक कोड कर रहे हैं, अगर हमने एक कोड दिया है आर्डिनो को लाइक हमने आर्डिनो में एक कोड एंटर किया है तो वो कहाँ पर जाके सेव होता है? इन द फ्लैश मेमोरी। और जब हम उसको रन करते हैं तो जो भी हमारा मतलब रन टाइम मेमोरी बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज ऑल्सो अ रन टाइम मेमोरी। जब भी कोई फंक्शन परफॉर्म हो रहा है तो जो भी डाटा से रिलेटेड जो भी काम है दैट इज डन इन द रैम। और जो हमारी फ्लैश मेमोरी है उसमें जो है कोड हमारा स्टोर हो जाता है जो भी हम उसको इनपुट देते हैं। ठीक है, तो
ये जो जब हम बात करते हैं कि Arduino Uno में 32KB फ्लैश मेमोरी है और 2KB रैम है, तो वी टॉक अबाउट माइक्रो कंट्रोलर Atmega 328P की इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमारे Arduino को मिल रही हैं, लाइक सर्किट बोर्ड की इटसेल्फ देयर इज नो मेमोरी. तो जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, इसकी जो मेमोरीज होती हैं, दैट इज डिफाइंड एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी Arduino बोर्ड. ठीक है, तो one is Arduino Uno, the most important, जैसे मैंने तुम बताया 95% हमारा इससे काम चल जाता है. Second is your red board. तो red board में भी हमारा ये एक तो ये हमारा Arduino जो है, that is Arduino एक company है, तो उसका बना हुआ होता है. और ये जो है हमारा red board Sparkfun company का है, and it is almost similar, but this is cheaper. ठीक है, और इसमें controlled revisions होती हैं, like हम जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, वी कैन कंट्रोल दैट समहाउ. तो इसका मतलब एक एडवांटेज यही है कि दिस इज चीपर और इट इज क्वाइट सिमिलर टू Arduino Uno. मूविंग ऑन Arduino Pro माइक्रो. सर एक क्वेश्चन था सर. सर जैसे Arduino है सर, हम Raspberry Pi में सर एक्सटर्नल मेमोरी डाल सकते हैं, जैसे मेमोरी कार्ड्स वगैरह. हाँ. क्या Arduino में ऐसा है सर? या Arduino में एक्सटर्नल मेमोरी तो आई गेस नहीं डाल सकते, क्योंकि Raspberry Pi तो यार Raspberry Pi is quite advanced thing. मतलब Raspberry Pi तुम्हारा एक पूरा कंप्यूटर है. Arduino को हम सिर्फ एक सर्किट बोर्ड बोलते हैं. तो Raspberry Pi में we have a lot of advantages over Arduino. अलग से मॉड्यूल आता है वैसे माइक्रो एसडी कार्ड का. मॉड्यूल आता है वैसे Arduino के लिए. हां सर, यूएसबी पोर्ट दे रखा है सर, हो सकता है. क्या सर ये यूएसबी पोर्ट है सर, हो सकता है इसमें से डाल सकते हो, डाटा तो डाल ही सकते हैं. Like you can externally connect, but तुम उसको नहीं वो कर सकते. अगर तू externally करना चाहे तो तू कर सकता. ठीक है सर. तो Arduino Pro Micro and Arduino Pro Mega, अब इसमें अगर memory देखें तो 32KB है, same है उन्हों वाली 2.5. RAM यहाँ पर 0.5KB increase हो जाती है. ठीक है, and ये हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है ये चेंज हो गया. वहाँ पर Atmega 328P था, यहाँ पर 32U4 है. ठीक है, एंड देयर वर 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस, हियर आर 12 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस. एंड PWM पिंस वहाँ पर 6 होती हैं, यहाँ पर 5. एंड एनालॉग पिंस भी वहाँ 6 होती हैं, यहाँ पर 4. तो दिस इज हाउ डिफरेंट टाइप ऑफ Arduinos डिफर फ्रॉम वन अनदर. ठीक है, ये आता है हमारा Arduino Pro Mega. इसमें तुम देख सकते हो पिंस इतनी थी हमारी Uno में, ये पिन सारी की सारी ये एक्स्ट्रा पिन है. लाइक 54 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन होती हैं, वहाँ सिर्फ 14 होती हैं. एंड वहाँ पर हमारी 6 PWM होती हैं, यहाँ 15 है, मोर देन डबल. एनालॉग पिन भी मोर देन डबल, यहाँ 16 होती हैं. एंड द मेमोरी 256KB मेमोरी आती है, वहाँ पर सिर्फ हमारी कितनी थी 32KB थी, यहाँ पर हमारी 256 है. लाइक अराउंड 8 टाइम्स हो गई, तो 8 टाइम्स हमारी फ्लैश मेमोरी होती है, और एज कम्पेयर टू Uno 4 टाइम्स हमारी रैम होती है Arduino Pro Mega की. तो मेजर प्रोजेक्ट्स में हम लोग Arduino Pro Mega यूज करते हैं. ठीक है, जहाँ पर बहुत सारी पिंस कनेक्ट करनी होती हैं. सो दिस वॉज आई गेस ऑल अबाउट द थियोरेटिकल पार्ट. ठीक है, तो एक सेकेंड. हाँ, तो ये Arduino Uno है हमारे पास, जो सबसे बेसिक बोर्ड होता है. तो एग्जैक्टली सारे Arduino Uno सेम होंगे, चाहे कोई भी कंपनी उन्हें बनाए. ये ऑफिशियल Arduino कंपनी का है, क्योंकि देखो आप यहाँ Arduino लिखा है. और क्योंकि ये ओपन सोर्स होता है, तो हम भी अगर हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो हम भी एक अपना बोर्ड बना सकते हैं ये सारे इक्विपमेंट लगा कर. तो ये ऑफिशियल Arduino है, लेकिन कोई भी कंपनी बनाएगी उसकी कॉन्फ़िगरेशन हमेशा सेम रहेगी. तो स्टार्टिंग पावर पोर्ट से ही करते हैं. इसमें सबसे पहले ये पावर पोर्ट होता है, ये USB टाइप बी पोर्ट है, जिससे हम कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, और सारे कोड इसी के थ्रू इसमें अपलोड होते हैं. इसके मेजर फंक्शन तो यही है, अगर चाहें तो पावर भी दे सकते हैं इसमें. सेकंड पोर्ट हमारा था ये बैरल जैक, और बैरल जैक के सिर्फ पावर के लिए होता है. इस बोर्ड में हम प्रोग्राम सिर्फ इस पोर्ट के थ्रू अपलोड कर सकते हैं, बाकी कोई भी पोर्ट होगा तो वो मेनली पावर के लिए ही होगा.
तो ये बैरल जैक है ये 20 वोल्ट तक सपोर्ट करता है, लेकिन रिकमेंडेड वही 9 वोल्ट या 12 वोल्ट होता है मैक्सिमम। इस पोर्ट के जस्ट साइड में हमारा वोल्टेज रेगुलेटर है, एक सेकंड, ये वोल्टेज रेगुलेटर है। इसका काम होता है कि जो भी हम इससे वोल्टेज दे रहे हैं उसे 5 वोल्ट में स्टेप डाउन कर देना, लेकिन ये इतना एफिशिएंट नहीं होता, तो 5 वोल्ट डायरेक्ट हम इसे नहीं देते, हम 7 वोल्ट से शुरू करते हैं इसे वोल्टेज देना। तो इसके थ्रू करंट इसके अंदर आता है 5 वोल्ट डायरेक्ट। ये हमारी पिंस थी यहाँ पे पावर पिन, एकदम सेम, बिल्कुल सेम होगा। ये हमारी मेन चिप है एटमेगा 328P, और ये उसकी सेकेंडरी चिप है जो हमारी USB इंटरफेस को एटमेगा से कनेक्ट करती है। इस तरफ हमारे एनालॉग पिन्स है A0 to A5 यानी 6 पिन्स, और इस तरफ हमारे डिजिटल और PWM पिन्स होते हैं। तो इसका साइज मतलब बाकी आर्डुइनो से तो बड़ा ही होता है, जो हमारे पास और अवेलेबल है हम स्केल से इसे देख सकते हैं, ये लगभग 7 सेंटीमीटर के अराउंड है। तो ये सबसे स्टैंडर्ड आर्डुइनो होता है, जैसा कि पहले भी बताया 95% प्रोजेक्ट्स में यही यूज होता है। लेकिन अगर हमारा प्रोजेक्ट छोटा है और हमको दूसरे टाइप के आर्डुइनोज की ज़रूरत है, तो हमारे पास एक आर्डुइनो नैनो होता है, ये काफ़ी छोटा है उससे। इसमें भी जैसे इसमें ये जो एटमेगा 328P लगी है ये रिमूवेबल है ऊनो में, लेकिन माइक्रो में वो एम्बेडेड होती है अंदर ही, बोर्ड में ही लगी होती है, तो इसका ये एक डिसएडवांटेज है। लेकिन उसकी वजह से ये बहुत छोटे साइज में आ जाता है, और ये भी डायरेक्टली ये माइक्रो बी टाइप USB पोर्ट है, जो माइक्रो ए टाइप, बी टाइप नहीं, तो ये भी डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर इससे भी छोटे प्रोजेक्ट में जाना है, हैंडहेल्ड प्रोजेक्ट में जाना है, जैसे रिमोट कंट्रोल वगैरह बनाने हैं जिसमें हमारे पास बहुत जगह नहीं होती, तो इससे भी छोटा बोर्ड आता है आर्डुइनो प्रो मिनी। लेकिन इसका एक मेजर डिसएडवांटेज है कि ये डायरेक्टली कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हो सकता, हमें एक और इंटरफेस, एक छोटा सा और कार्ड चाहिए होता है जब इसे कंप्यूटर से प्रोग्राम करना होता है। बाकी फंक्शन इन सबके सेम ही रहेंगे, जैसे इसमें भी पिंस थी, इस तरफ एनालॉग और डिजिटल थी, इनमें भी एक तरफ एनालॉग और डिजिटल पिंस होगी, बहुत छोटा है, दिखेगा नहीं। तो ये मेल पिंस है और उसमें फीमेल पिंस है, बस बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, इनका काम सेम होगा, इनकी प्रोग्रामिंग भी सेम होगी, इनका यूज़ भी सेम होगा, बस साइज़ डिफरेंट है। तो ये तीन मेजर होते हैं जो कि यूज़ होते हैं, इसके अलावा मेगा भी यूज़ होता है बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स में, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट्स आर्डुइनो में बनते नहीं हैं, क्योंकि आर्डुइनो की भी बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। और अगर आप प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे तो आर्डुइनो प्रोटोटाइपिंग बोर्ड है, इसमें इतनी सारी तारें यूज़ करनी पड़ेंगी कि बहुत मतलब अनटाइडी प्रोजेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम फिर वहाँ पे प्रोफेशनल माइक्रो कंट्रोलर्स यूज़ करते हैं दूसरे। तो यही था आर्डुइनो के बारे में, हार्डवेयर पार्ट्स। ओवर टू यू सर। ऑलराइट, तो यार ये तुम देख सकते हो लाइक प्रैक्टिकली दीज आर द आर्डुइनो, ठीक है। वैसे तो एक सिमिलर अप्रोच आपको आर्डुइनो को देखने से मिल जाती है, लाइक अभी भी तुम लोग स्क्रीन पे ही देख रहे हो। तो वन थिंग इज तुम लोग ना टिंकरकैड पे अपना अकाउंट क्रिएट करो, लाइक द कंटेंट आई हैव शेयर्ड उसमें